भड़कता भड़कता नहीं सच्ची के बच्चे लोग छोड़ दिया कुंडला को छोड़ दिया ये मम्मी को मच्छर ने पप्पी देखी मच्छर ने डैडी डैडी आया था रात को किस देखे गया मम्मी को सो नमस्कार मातेतला वेलकम बैक टू अनदर तड़कता फड़कता व्लॉग पीछे का सामान देख के आप लोगों को समझता है समझ रहेगा कि क्या कंडीशन में हम तो थड़कता फड़कता नहीं सच्ची के बच्चे लोग छोड़ दिया कुंडला को छोड़ दिया ये मम्मी को मच्छर ने पप्पी देखी मच्छर ने डैडी डैडी आया था रात को किस देखे गया मम्मी को पप्पा ही घर बैठा है और एक मेंबर आगे तो अभी हम लोग इधर से कुंडला से निकले हैं कापू जाने के लिए मतलब फाइनली सब कुछ खत्म हमारा क्या बोलते हैं उसको वेकेशन एक नॉट एग्जैक्टली वेकेशन बट हाँ बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग ने वो टाइम वैसा करके निकाला तो हो चुका सब उसका छोटी माँ का ट्रीटमेंट मतलब मेरे मासी का ट्रीटमेंट है वो सब हो गया और अब हम लोग फाइनली घर पे बैक टू कापू जा रहे हैं बैक टू पेविलियन हाँ वही है मतलब तो अभी ऐसा कंडीशन में हम लोग बैठे हैं ना कि मेरा ऐसा मैं मम्मी को बोलती है ना बेरी तैयल इंचा अड्डा तुप्पो करके बोल तभी बड़ा बोल रही है ना बहुत सरता मार पे इंचा कुत्ते दाम मंड दिन सामान तो कुछ भी बोलो पप्पा के पास जो रखा है ना सामान इतना कीमती सामान है भैया बहुत बोर्ड होते आई का वारना गाइड करते नहीं खाली पाव को नंडा सही पाव को नंडा पर कंडा सही तो वैसा अभी हम लोग जस्ट निकले तो समीक्षा भी आई थी वो आगे वाला स्कूटी उसी का है ना हाँ वो शायद वही है वो वही आगे वाला है तो यहाँ पर तो आएगा अगर अपना गाड़ी उधर तक गया तो दिखा सकते हैं जस्ट तिते बत्त मुटी ना ते अंकल सामान तू वाली अर्धा मित्त बोतुंडु अरोलिर अंकल इरना कांटेक्ट नंबर पाड़ो लेते पाड़ो लेते सो उन्दु गोपाल अंकल अर्ना यान कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स इड पाड़वे एरेगला वोला पंडा ट्रैवल दादा मन पर इतना कांटेक्ट मन पोली बारी लायक गंते रेंगले स्मूथ సో అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఎట్ పాడదా నా పుదర్లా కాంటాక్ట్ నంబర్లా పాడవే సో నిగిలే ఒడే పోరెత్తుండా అరే కాంటాక్ట్ అవ్వాలి నిగిల్ల సున్నా మమ్మీగా బాల్ దిక్ బాల్ వెలగత ఇదర్ ఆకేవి పప్పాగా అవి కామ్ చాలోగే నెక్ పంపిని పర్సనల్ సెక్రటరీ అంది बिना बोले काम चालू किया देख नहीं नहीं सॉरी मेरे को दूसरा भी काम है सरी गेतु करती अंके ना पाड़ ले ओके सो वेलकम बैक तो पहली बात तो गुड मॉर्निंग अभी सुबह उठ के एक्चुअली कल क्या हुआ कि हम लोग आए तो बहुत वैसा मतलब ट्रैवल करके आने के बाद ऐसे एकदम टायर्डनेस हो जाता है सो उसके बाद वो सामान का अनपैकिंग अभी भी हुआ नहीं है मेरे एकदम ऐसा मतलब सामने ऐसा सब सामान पड़ा हुआ है तो स्टिल वो सब अनपैक होना बाकी है तो होता क्या नहीं तो ट्रैवल करके आओ ऊपर से ये धूप यहाँ पे साउथ का तो धूप मतलब बहुत डेंजर होता है एक्चुअली सब जगह पर वैसे ही होता है बट स्टिल यहाँ पे क्या होता है कि बाल बहुत मतलब ना रफ हो जाते हैं और मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा कर्ली बाल है सो इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है मतलब जो मैं यूज़ कर रही हूँ सो वो एक्चुअली ऑर्गेनिक है नेचुरल है केमिकल फ्री है और आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री और केमिकल फ्री ये एक्चुअली है ऑरिगेंस का ब्रिंगराज लीफ पाउडर मतलब इन लोगों का एक ये है एक क्या बोल सकते हो उसको
ऐसा नेचुरली पाउडर्ड है, और ये मैंने जैसा पहले बोला आप लोगों को कि सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, नो केमिकल्स एडेड. सो इन लोगों का एक रेंज है, मतलब ये एक ब्रिंगराज का है, आई होप यू कैन सी. इसी के साथ और एक रीठा पाउडर है, और उसके बाद है आंवला पाउडर, और फिर है हिबिस्कस, और फिर लास्ट वन है शिकाकाई. तो ये ऐसा मतलब इन लोगों का एक रेंज है. सो ये इतना पैक है इन लोगों का. इसको पहले बात तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यूज़ कैसे करते हैं. सो ये अभी जैसा मैं यूज़ कर रही हूँ, जितना भी मैंने आप लोगों को अभी प्रोडक्ट्स दिखाया है, सो करना क्या है हमको, बेसिकली एक बाउल लेना है. तो मैं क्या करूँगी, ये सबको सेम क्वांटिटी में, मतलब अगर वन स्पून ये लिया मैंने शिकाकाई का पाउडर, तो वैसे ही सबका वन वन स्पून लेके मैं ये बाउल में डाल के लूँगी. और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, मतलब एकदम ऐसा वाटरी ये नहीं करना है, उसका कंसिस्टेंसी नहीं करना है, बस एक थिक पेस्ट जो आप अपने हेयर को अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो अभी मैंने ये स्पून से, मतलब जो भी आप लोगों के पास स्पून है, ये तो ऐसा स्पून से मैंने हर एक पाउडर का, 5 पाउडर्स है मेरे पास, तो हर एक पाउडर का मैंने वन वन स्पून लिया है. तो ये कुछ ऐसा होता है, मतलब ये अभी ऐसा इसको मिक्स करके पूरा एक साथ, एंड देन इसमें हल्का सा, मतलब हल्का हल्का सा पानी डालना है इसमें. बेसिकली जैसा मैंने पहले बोला आप लोगों को कि एकदम ऐसा पानी पानी नहीं करना है, हेयर मास्क जैसा बना के लेना है इसको. डिपेंड आपके बाल के टेक्सचर पे है कि आप लोगों को कितना लगता है. मेरा अभी थिक बाल है, और ये तो कल हम लोग आए तो ऐसा पूरा झाड़ू जैसा हो गया बाल पूरा. ओके, सो ये फाइनली एक पेस्ट बन गया है, मतलब ये कुछ ऐसा पेस्ट बनेगा. ओके, सो अभी ये पेस्ट बन चुका है, तो इसको अभी करना क्या है ना कि आपके बाल पे, गाइस प्लीज मेरा बाल लेके डरना नहीं, ये ऐसा हो चुका है अभी तो, कल हम लोग आए तो ट्रैवलिंग की वजह से. तो इसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके जस्ट अपने हाथ के हाथ में लेना इतना इतना, और ये आपके ऐसे पार्टिंग में लगाते जाना पूरा. अभी मेरे बाल पे लगाने के लिए बहुत एक्चुअली टाइम लगता है, तो मेरे को पूरा पहले लगाने दो, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ओके, सो मैंने तो लगा लिया है, आई होप दिख रहा है आप लोगों को. सो ये कुछ लगाने के बाद ऐसा दिखता है, तो बेसिकली ये ऐसा स्टिफ हो जाएगा लगाने के बाद बाल आपका. सो ये अभी ऐसा लगा के इसको 30 मिनट्स छोड़ देना, 30 मिनट्स के बाद वॉश कर लो, मतलब बेसिकली नहाने से पहले आधा घंटा पहले लगा लेना, और उसके बाद वॉश करना. और सेम आप लोग स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फेस पे. तो अगर आप लोगों को ये हिबिस्कस पाउडर फेस पे भी लगाना है फेस पैक के लिए, तो आप लोग क्या करना कि इसका 2 स्पून्स लेना, हिबिस्कस पाउडर का 2 स्पून्स वाटर लेना, और 2 स्पून्स कोकोनट ऑयल लेना, कोकोनट ऑयल नॉट अदर ऑयल. सो इसको ये तीनों को अच्छे से मिक्स करना, पेस्ट बना के स्किन पे अप्लाई करना, और फिर सूखने दो, जैसा अपन बेसन लगाते वैसा इसको भी सूखने देना, जैसा बेसन सूख जाता है, और फिर सूखने के बाद धो देना, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा टेक्सचर देगा स्किन के लिए. जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री है, नेचुरल आयुर्वेदिक पाउडर्स है. सो प्लीज़ बाय करना ये प्रोडक्ट ऑरिगेंस, और यस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और मेरे को यूज़ करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोडक्ट. तो अब ये वाला व्लॉग इधर ही एंड करते हैं. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा. सो मैं अभी आधा घंटा छोड़ दूंगी, और आधा घंटे के बाद जाके नहा के मस्त फ्रेश बाल विद न्यू लुक आएगा. तो ये वाला व्लॉग अभी यहीं पे एंड करते हैं. अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया रहेगा, तो प्लीज़ इस व्लॉग को एक लाइक देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा, और आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. और यस, अगर कोई यह चैनल नया देख रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब करते ही साइड में आप लोगों के एक बेल का ऑप्शन आएगा, तो वो बेल प्रेस कर देना. इससे क्या होगा कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में जब वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोडेड है करके. और ये प्रोडक्ट्स ज़रूर बाय करना, नेचुरल है,
और हाँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वैसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।